सुप्रभात, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ IMT मीडिया के खास कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग रियासत बनने की घोषणा की। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन के व्यापारियों की निजी कंपनी थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसाले वाले द्वीपों से की। 1608 में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुँचा। आज के दिन 1922 में BBC ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा शुरू की। BBC का पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। BBC दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारण संगठन है। कर्मचारियों की संख्या से यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। अपनी शुरुआत से लेकर 21वीं शताब्दी तक BBC ने ब्रिटिश संस्कृति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसे द बीब और चाची भी कहा जाता है। आज ही के दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन फ्रेडरिक बैटिंग का जन्मदिवस है। मधुमेह के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनका जन्मदिवस ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर का दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1991 में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। मधुमेह की बीमारी शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती है, जो अंगनाशय से निकलता है। आज ही के दिन सन 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनने पर सहमति जताई। एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों देश ईमानदार और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कश्मीर समेत सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण वार्ता के निपटारे के लिए परस्पर स्वीकार्य विकल्प की खोज जारी रखेंगे। आज के दिन 1889 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उनका जन्मदिवस भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे। वह 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 में अपने निधन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य, एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र का वास्तुकार माना जाता था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।